नमस्कार दोस्तों, कमर बाजवा ने इस्लामाबाद में एक मीटिंग के दौरान भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही है। अब ये एक धोखा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विपक्षी पार्टियों के निशाने में आए इमरान खान अब भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को कहा कि भारत के साथ सभी विवादों की बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। जनरल बाजवा ने दो दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा संवाद सम्मेलन के अंतिम दिन ये बात कही। बाजवा ने कहा, इतिहास की बेड़ियों को तोड़ने का समय है। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरा मानना है कि ये क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व के लिए अपने भावात्मक और अवधारणात्मक पूर्वग्रहों से ऊपर उठने और इतिहास की बेड़ियों को तोड़ने का समय है, जिससे क्षेत्र के लगभग 3 अरब लोगों की शांति और समृद्धि मिल सके। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं का अड़ियल व्यवहार एक बाधा ही है। अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत तल्ख हैं। बता दें कि 2016 में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर पड़ोसी देश में स्थित आतंकी समूहों द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में दरार आ गई थी। साथ ही उरी में भारतीय सेना के शिविर पर एक हमले के बाद हम लोग ने रिश्ते को ख़राब कर दिया था। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य के 2 केंद्रशासित प्रदेशों में अलग करने की घोषणा के बाद संबंध और बिगड़ गए थे। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी हवाई और भूमि संपर्क तोड़ दिए हैं और व्यापार और रेल सेवाओं को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत ने कह दिया है कि वह आतंक और शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने कहा कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।